इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 4 के अंदर अगर हमारे स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है उस फ़ोन के अंदर तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे जाना होगा। नीचे जाएंगे जैसे ही यहाँ पर आपको स्टोरेज दिखाई देगा तो स्टोरेज को आज जो है आपको खोल लेना है। जैसे ही स्टोरेज को खोलेंगे तो यहाँ पर आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो क्लीनर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो क्लीनर पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका डेटा जुड़ेगा और जैसे ही डेटा जुड़ जाएगा सारा का सारा यहाँ पर आपको क्लीन अप का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जैसे ही क्लीन अप पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका ये जितना भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा और आपकी स्टोरेज की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है इसका। और अगर ये वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो आप जो है एक काम कर सकते हैं कि फाइल मैनेजर में जाकर उसको डिलीट कर सकते हैं। और ये जितना भी प्रोसेस हुआ हमारे Redmi Note 5 Pro के अंदर हुआ है, आप किसी भी फ़ोन के अंदर ये प्रोसेस कर सकते हैं।